ये जो बड़ा बिल्डिंग आप लोग को दिखाई जा रहा है ना, ये है बॉलीवुड का फेमस एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी का घर। हाँ, इसी बिल्डिंग पे रहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी और उसका बेटी सोनाक्षी सिन्हा जी। और इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आ गया मुंबई जुहू एरिया में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बॉलीवुड का फेमस एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी का घर। तो इसी बिल्डिंग पे ही रहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा और उसका बेटी सोनाक्षी सिन्हा। और इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा शत्रुघ्न सिन्हा जी का बांग्लो का पूरा बिल्डिंग का पूरा व्यू, साथ में उसका बिल्डिंग किधर है, उसका बिल्डिंग का नाम क्या है, पूरा डिटेल्स में उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो का लास्ट तक स्किप नहीं करके लास्ट तक देखते रहिए। तो जो न्यू फ्रेंड अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का करता हूँ स्टार्ट। इसी बिल्डिंग पे शत्रुघ्न सिन्हा जी रहते हैं और उसका बेटी सोनाक्षी सिन्हा जी इसी बिल्डिंग पे रहते हैं। ये है बिल्डिंग का नाम जो है रामायण, और ये है G+10 स्टोरी बिल्डिंग। आप लोग को दिखाई जा रहा है बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है, मतलब जू एरिया में बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है ये। ये बिल्डिंग का नाम रामायण, ये रामायण नाम के पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी आप लोग को बताऊंगा। रामायण रागने के वजह एक स्टोरी है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जी का 3 जो भाई है उस लोगों का नाम राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न सिन्हा जी। और उस शत्रुघ्न सिन्हा जी का जो 2 बेटा है उस लोगों का नाम लव, कुश। तो इसके हिसाब से बिल्डिंग का भी नाम रखा रामायण। शत्रुघ्न सिन्हा जी इसी बिल्डिंग पे रहते हैं। आप लोग बहुत पुराना फिल्म में उसको देखा, बहुत ही अच्छा अच्छा रोल निभाया उन्होंने। और अभी उन्होंने पॉलिटिकल व्यू में उसका भी बहुत अच्छा नाम कमाया, क्योंकि वो पहले पॉलिटिकल में था, पहले कांग्रेस में था, उसके बाद BJP में ज्वाइन किया, उसके बाद अभी वो तृणमूल का सांसद हुआ था। एक्चुअली वो अभी तृणमूल कांग्रेस का सांसद भी हुआ था अभी। तो अभी इस बिल्डिंग पे रहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। ये पूरा सामने तरफ का व्यू है। और शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में बहुत मूवी तो आप लोग देखा ही होगा, वो बहुत ही फेमस एक्टर था, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत। और उसका जो बेटी सोनाक्षी सिन्हा वो भी बहुत अच्छा मूवी करती। और ये बिल्डिंग का साइट बहुत दूर से एक नज़र आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये G+10 स्टोरी बिल्डिंग, और टॉप जो फ्लोर दिखाई जा रहा है ना, वो टॉप फ्लोर में रहते हैं सोनाक्षी सिन्हा में। और इस बिल्डिंग का बाजू में जो और एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई जा रहा है, उस बिल्डिंग शेट्टी सर का घर, रोहित शेट्टी सर का घर। और ये बिल्डिंग का सामने के तरफ का व्यू है, बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है ये। देखिए G+10 स्टोरी बिल्डिंग है, एक्चुअली मुंबई जू एरिया में अवस्थित है। ये मुंबई जू एरिया में आप लोग आओगे तो ये वाला बिल्डिंग आप लोग को दिखाई जाएगा। ये मुंबई जू एरिया में अवस्थित है। इस बिल्डिंग का नाम रामायण। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो आप लोग को पसंद आया तो एक वीडियो में प्यार सा लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।